और इसी के साथ हम पहुंच चुके हैं स्कूल में, क्योंकि क्वारंटाइन चल रहा है इसलिए स्कूल बंद है, तो यहाँ लड़ाई के लिए अलाव है। अगर स्कूल हो चल रहा होता तो हम लड़ाई नहीं कर सकते, इसलिए हम हाल चाल देखने आ गए हैं स्कूल के। और सॉरी टू से कि चैनल के नाम चेंज कर दिया गया है, और उसी नाम के हिसाब से इंट्रो भी चेंज कर दिया गया है। और आपको पूछ रहा हूँ कि इंट्रो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा ज़रूर। और उतरते ही इसी के साथ एक और स्क्वाड आई पड़ी है, और मैं यहाँ पे बॉट मारने जा रहा हूँ। नंबर 4 हमारा नया नया खेल रहा है, नंबर 3 हमारा रैंडम बंदा है जो जिसे पता ही नहीं हम क्या कॉल आउट देंगे क्या नहीं। और ये वैसे भी हम बिना वॉइस चैट के खेल रहे हैं, आप देख सकते हो मेरा माइक ऑफ ही है। तो कॉल आउट देना मतलब उस कॉल आउट के हिसाब से खेलना अलग बात होता है, बिना कॉल आउट के खेलना अलग होता है। सो फॉरगेट अबाउट दैट, बट बिना कॉल आउट के हम नंबर 1 और मैं तो खेल ही सकते हैं, तो इसलिए हम उतर गए 1 स्क्वाड के साथ यहाँ पर। तो दूसरी स्क्वाड जो आई पड़ी है यहाँ पर वो उतरा है स्विमिंग पूल वाले बिल्डिंग में। तो मैं यहाँ स्पॉट को फिनिश करके एक और गन उठाकर जल्दी से यहाँ पर आ ही रहा था कि नीचे फाइट ले रहे थे ये लोग, और ऊपर ये लोग डर के मारे छिपे पड़े बैठे हैं। एक बारी को लगा कि ये नंबर 4 है, लेकिन नहीं, इसमें एक बॉट था और दूसरा असली बंदा था। अबे दोनों ही असली बंदे थे वे, और दोनों ही एक दूसरे को मार रहे थे, पता नहीं क्या ही कर रहे थे, कहाँ के नूबड़े आए पड़े हैं यहाँ पे। मतलब सीरियसली वो अपने टीममेट को ही मार रहा था, और इसी चक्कर में ये दोनों पकड़े, और पकड़े जाने के साथ साथ क्रेड भी बन गई इनकी। पर हमें क्या है, हमें तो किल से मतलब है। पता नहीं हमारे जो नंबर 4 नया नया खेल रहा है इसी की वजह से ये लॉबी आई हुई है, शायद सारे नए नए बंदे ही खेल रहे हैं, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। पर नेवर माइंड, आप इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर, ताकि हम अगले वीडियो में अपनी फेस के मास ला सकें, अपनी फेस जो है वो आपको दिखा सकें। तो अगली वीडियो फेस वाली आएगी, तो अंधाधुंध सपोर्ट दिखाओ ताकि हमें लगे कि आप हमारे वीडियो देखने में इंटरेस्टेड हो। और इंस्टाग्राम भी है हमारा, आईडी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसी के साथ जाके फॉलो कर दो। और रही बात ये कि आखिर का वो बंदा है तो है कहाँ पे, मतलब इस बंदे को मैंने इतना स्प्रे मारा, EMP पे स्प्रे मारा, AKM पे स्प्रे मारा, लेकिन ये बंदे को मतलब लगा ही नहीं कहीं पे भाई। क्या सही मूवमेंट फायर था, लेकिन मिस्टर तापस ने इसे मार दिया। अगर थोड़े देर और करते तो किल मुझे मिलती, और पता नहीं ये बॉट कहाँ से चलता हुआ आ रहा था, अचानक ही मुंह के सामने आ गया। तो हमने उसे भी ख़त्म कर दिया। अब मुद्दा ये कि मेरे जो कार 98 देखी थी वो गया कहाँ, फिर पता चला नंबर 3 ने उसे उठा लिया है। अब हम रोजक की साइड आ गए वो सब छोड़कर। तो यहाँ पर एक और स्क्वाड, 2 स्क्वाड लगी पड़ी थी, उनमें से एक स्क्वाड बची, और वही स्क्वाड जाकर वहाँ पे गाड़ी ठोकी थी। तो मैंने कहा चलो भाई गाड़ी में बैठो और वहाँ पे चलो पुश करते हैं गाड़ी भी। तो गाड़ी में मैं तो बैठ गया, नंबर 1 तो बैठ गया, लेकिन नंबर 3 और 4 को कहाँ पता था कि गाड़ी में बैठना भी पड़ता है। नंबर 4 तो नूब है, नंबर 3 का पता नहीं भाई, वो रैंडम बंदा है, मतलब क्या ही कर रहे हो वे, ऐसे कौन खेलता है। फिर भी नंबर 4 ने जल्दी बैठ गया, मतलब जल्दी बात को समझ गया। और जैसे ही हम वहाँ पर गए, मतलब हम वहाँ पर पहुँचते ही थे कि वो लोग गाड़ी लेकर निकलने की कोशिश कर रहे थे भाई। मतलब अभी तक इन लोगों की लूटपाट चल रही थी, जैसे हम यहाँ पर पहुँचे ये लोग गाड़ी निकाल कर भागने की सोच रहे थे। कसम से मतलब ऐसा कौन करता है वे, और ऊपर से जोन भी आने लगी थी, अब इसी जोन की वजह से नंबर 4 भी मर जाएगा हमारा। और इस बंदे को मैंने इतना डैमेज दिया, इतना डैमेज दिया, पर कुछ हुआ नहीं। आखिर में बंदा नंबर 1 ने किल चुरा लिया, हमारे मिस्टर तापस ने, जिसकी चैनल के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पर वॉइस ओवर तो नहीं होगा लेकिन हमारी बातें आपको सुनाई देंगी। अगर हम अपनी भाषा में बात करते हैं आपको सुनाई देगी, पर आपको समझ आएगी या नहीं वो आप पर डिपेंड करता है, आप कहाँ से हो इस उस पर डिपेंड करता है।
तो अब मुद्दा ये कि ये स्क्वाड का एक बंदा ये जो था गाड़ी में घूम रहा था, सलमान खान बनना फिर रहा था, उसके टीममेट्स हैं तो हैं कहाँ पे? मतलब ये लोग किस्तों में फैले पड़े थे, और ऊपर से ये बंदा मतलब बिना देखे पीछे आगे चला गया और इसको पीछे से ख़त्म कर देता ये बंदा भाई, अगर सही वक्त पर मैंने इसको फायर ना किया होता तो। और इनके पास जो लूट था ना भाई, मत पूछो क्या ही लूट मचा रखा था भाई इन लोगों ने। मतलब सीरियसली इतना लूट लेकर काहे इधर घूम रहे थे भाई, जोन वो नहीं जाना था क्या तुम लोगों को? और इसी के साथ ये नंबर वन एक और बॉट कहाँ से मार लिया भाई, मतलब कुछ भी, इन लोगों को सिर्फ बॉट ही मिलते रहते हैं। ओके नेवर माइंड, तो अब हमें जोन पे जाना है, तो हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ी सी लूट वूट की और गाड़ी लेकर निकल पड़े। और वीडियो को लाइक कर दो भाई नमनो। तो इसी के साथ हम लोग दौड़ते हुए जा रहे हैं, और यहाँ पे मैं पहुँचते ही अचानक एक बॉट सामने आ गया। मतलब मैं अचानक ही इसे देखा, मतलब मैं हील कर रहा था और इसे देख लिया तो उसे मार दिया। और नेवर माइंड, हम पहुँच चुके हैं यहाँ पर, नंबर फोर हमारा टपक चुका है जून के बाहर। उसे हील करना नहीं आता क्योंकि वो नया नया खेल रहा है, तो ऑब्वियसली आप भी जब नया खेल रहेंगे तो आपको कौन सा हील करना आता होगा। एक्चुअली आता था भाई, मतलब पहले अगर कोई भी गेम खेला होगा तो क्या हील क्या है क्या नहीं है सबको पता होता है ये बात। पर इससे एक्चुअली मैं पहले कोई नई गेम खेला है, बस वही खेलता रहता था, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि कुछ भी गेम खेला करोगे ताकि सीखने को मिले। और इसी के साथ ब्रिज पे है, हमारे पीछे एक स्क्वाड पड़ी हुई है, और यहाँ पर हमारा पेट्रोल क्या सही जगह पर ख़त्म हुआ है, मतलब क्या ही बताऊँ इस किस्मत का। आके एकदम कवर पर रुक गया, अगर ये कहीं और रुका होता ना, मतलब ओपन में रुका होता तो हम लोग लगी पड़ती यहाँ पे। और ये बंदा देखते ही देखते दो बंदे नॉक हो गए, और बाकी के दो बंदे कहाँ से भाग गए भाई? तो इन्हीं नमूनों को ढूंढने के लिए हम आगे गए, पर ये बंदों ने तो मतलब क्या ही कर रखा था, गाड़ी वही ठोक दी, लेकिन यहाँ से गायब हो गए गाड़ी ठोक के। गाड़ी को तोड़ फोड़ करके हम इधर ढूंढ ही रहे हैं बंदे हैं कहाँ पे, तो नंबर वन ने उनको स्पॉट कर लिया कि वो बंदे नीचे हैं। तो मैं चला आया नीचे, बंदा M249 लेकर बैठा हुआ है यहाँ पर। ये क्या हुआ मुझे समझ में नहीं आया, बंदा अचानक से सामने एक एकदम से 200 की स्पीड में आ गया, वो भी चलते चलते। मतलब क्या बे पबजी, ऐसी कौन सी ग्लिच है जो पिंग आए होने पर लोग स्पीड पे चले आते हैं? और ये बंदा आते आते यहीं पे लेट गया, मतलब क्या क्या करना क्या चाहते हो भाई तुम? अपनी जिंदगी से परेशान होकर यहीं पर लेट गया था बंदा। तो हम उन लोगों को साफ करके बग लेकर आ गए, नंबर थ्री भी मर गया हमारा जोन के बाहर। सीधी सी बात है, तुम जोन के बाहर नॉकआउट हो गए तो हम कैसे बचाएंगे तुमको? अब जैसे ही हम यहाँ पे गाड़ी ठोक कर यहाँ पे बैठने के लिए आ रहे थे, यहीं से गोली चली। देखो यह बंदा यहाँ पर कब से लेटा पड़ा है, इसे कोई देख भी नहीं रहा है। तो उसी बंदे के पास फ्लेयर गन भी थी, और मैंने फ्लेयर गन चला दी, तो फ्लेयर आने का वेट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। इसी के साथ वेटिंग लिस्ट पे एक और बंदा आ गया भाई, तो उसको भी तो मारना पड़ेगा ना, वरना हम पीछे रह जाएंगे। मेरे बंदा नंबर वन को मारा है जो वहाँ पर लेटा था, और यहाँ पर जो दौड़ रहा था उसे देखकर इग्नोर कर रहा है, मतलब क्या ही इग्नोर क्या ही। और इसी के साथ जोन आखिरी जोन के पास हम पहुँच चुके हैं। अब बंदे को हमने स्पॉट कर लिया था, एक बंदा यहाँ पर है, दूसरा बंदा लेबोरेटरी पर है, और तीसरा बंदा जो है वो आखिर तक हम स्पॉट नहीं कर पाए, मरने तक भी स्पॉट नहीं कर पाए। हाँ भाई, मतलब क्या ही लेट कर रहा था वो, एकदम से सांप बन गया था भाई। हम लोगों ने उसे आखिरी जोन तक हम मर भी गए, लेकिन उसे ढूंढ नहीं पाए, उसी बंदे ने ही हमें मारा। अब ये बात देखो, मैं तो यहाँ कवर पे आ गया था, पर मुझे लगा तो लगा कहाँ भाई, अब कार 98 के बॉडी शॉट पे कौन मरता है? वो भी हेलमेट है मेरे पास लेवल 3 का, वेस्ट भी है लेवल 3 का, मतलब ऐसे कैसे नॉक हो गया मैं? अब ये बंदा यहाँ आकर लेट गया, मतलब क्या ही कर रहा है?
इसलिए कहा जाता है कि घर में रहो, इस तरीके से घर में बाहर आओगे तो मरोगे ही मरोगे, जैसे कि मैं नॉक हुआ और ये मर गया। अब दूसरा बंदा जो है, हमने उसे लेबोरेटरी पे स्पॉट किया था, तो इसलिए हम यहाँ से टीपीपी ले रहे हैं कि वो बंदा कब आएगा। अब ओपन में आकर रस करेगा तो हम मारेंगे ही मारेंगे, लेकिन वो बंदा भी बहुत चालाक था, वो आने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर हम लोगों ने यहाँ पर केक खाया, और केक खाकर जोन बाबा को स्मरण किया कि आ जाओ भाई, जोन बाबा उसे बाहर निकलने में मजबूर कर दो। तो फिर जोन बाबा ने कहा तथा स्वच्छ मैं आ रहा हूँ। तो इसी बात जोन बाबा ने उसके साथ स्कैम कर दिया, और जैसे ही वो बंदा थोड़ा सा बाहर निकला मैंने उसे नॉक कर दिया, और मेरे पहले फेंका हुआ ग्रेनेड से वो फूट कर मर भी गया, कि नॉक और फिनिश भी हो गया। अब आखिर बंदा बचा है भाई, मतलब मैं ये सोच के वहाँ पर नेट कर रहा था कि वहाँ पर वो बंदा होगा, लेकिन वो बंदा वहाँ पर था ही नहीं। पता नहीं कहाँ था, हमने आखिर वक्त पर उसे स्पॉट नहीं कर पाए। तो तैरने के लिए देखिए यही वाला वीडियो, तो आधा ही ख़त्म हो चुका है, लेकिन फिर भी देखिए। तो हम फिर आगे गए, और यहाँ पर मैंने सोचा क्यों ना गाड़ी लिया जाए, वो बंदा हम पे नेट फेंक रहा था, तो मैंने गाड़ी लेने का सोचा और दूसरे और निकलने का सोचा। तो मैं यहाँ पे स्पॉट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि बंदा है तो है कहाँ पर वो बंदा है कि दिख ही नहीं रहा। तो मैंने कहा छोड़ो भाई इसे, अब छोड़ो, थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं, थोड़ा स्प्रे व्रे मार लेते हैं अंधाधुंध, कहीं लग जाए तो मर जाएगा। लेकिन वो बंदा वहाँ पर था ही नहीं, पता नहीं वो बंदा कब कहाँ से कैसे और किस तरीके से आकर वहाँ पर लेट गया था। ये बात किसी को नहीं पता कि वो कब जोन पे आया, कब यहाँ कर लेट गया। अब मैं तो यहाँ पर ढूंढ रहा था बंदा को, लेकिन वो बंदा था नंबर वन के पास। जब उसने फायरिंग शुरू की तो नंबर वन को तो नॉक कर दिया, लेकिन नंबर वन नॉक होकर भी उसे पता नहीं चला कि वो बंदा है कहाँ पर। तो मैं भी यहाँ पे अंधाधुंध घुस गया। यही वाला गलती आप हमेशा करते हैं हम लोग, जब हमारा बंदा नॉक हो जाता है तो हम भी ऐसे अंधाधुंध घुस जाते हैं। तो वो काम मत करो, कितना भी पैनिक हो जाओ, पैनिक हो लेकिन आखिरी बंदा है, थोड़ा पेशेंस रख के खेलो। और ये बात मैं ही बता रहा हूँ जो बिना पेशेंस के चलता है भाई, मतलब ये बंदा भी क्या ही कर रहा था, मतलब मुझे भी कोई आइडिया नहीं। तो इसी के साथ, अगर आपको हमारा गेम प्ले अच्छा लगा हो, अगर हमारा आपको कंटेंट और वीडियो अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट।